Hello everyone, welcome to Priyanka Kaidu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study Class 8th Science, Chapter 4 Materials, Metals and Nonmetals. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. आप सब लोग इन मटेरियल से फेमिलियर हैं आप सब ने ये सब पहले नेम्स पढ़े हुए हैं आयरन एल्युमिनियम कॉपर और सब ने देखे हुए भी हैं ये मेटल्स सब ने देखे हुए हैं क्योंकि इन सब की मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन दिस टेबल अपीयरेंस और इसकी हार्डनेस चेक करनी है जैसे आयरन आयरन कैसा होता है डल होता है शाइनी होता है आयरन शाइनी होता है इट इज़ शाइनी कोल कोल डल होता है सल्फर इज ऑल्सो डल एल्युमिनियम जैसे आपने एल्युमिनियम फॉयल देखी होगी तो एल्युमिनियम फॉयल इज शाइनी कॉपर इज आल्सो शाइनी मेटल नाउ वी चेक देयर हार्डनेस आयरन इज़ वेरी हार्ड कोल इट इज़ नॉट वेरी हार्ड इट इज़ नॉट वेरी हार्ड वी कान्ट कॉल इट सॉफ्ट बट इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड सल्फर सल्फर भी इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एल्युमिनियम इज़ हार्ड

और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स हैं टेबल 4.1 में वो नॉन मेटल्स हैं मेटल्स कैन बी डिस्टिंग फ्रॉम डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ़ द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम उनकी फ़िजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको डिवाइड करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लश्चर और हार्डनेस अभी हमने देखी लश्चर एंड हार्डनेस ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हार्डनेस एक वेदर मटीरियल इज हार्ड और इट इज़ नॉट हार्ड और लश्चर मतलब उसमें शाइन है या नहीं है वो लश्चरस है या डल है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा है वो बीट कर रहा होता है आयरन के आयरन के एक टुकड़े को उसको बीट कर रहा होता है उसे हैमर या किसी चीज़ से मार रहा होता है उसकी शेप चेंज कर रहा होता है या कभी आर्टिकल देखे हो स्पेड शॉवल एक्स क्योंकि ये सब आयरन से बने हुए होते हैं तो जब इन आर्टिकल्स को बीट किया जाता है तो इनकी शेप चेंज हो जाती है दीज आर्टिकल्स दे कैन चेंज देयर शेप्स ऑन बीटिंग अब कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिन पे आप हैमर से मारोगे तो वो टूट जाएंगे पीसेस में क्या आयरन टूट जाएगा पीसेस में नो no, आयरन नहीं टूटेगा उसकी शेप चेंज हो जाएगी और अगर कभी वुड के लॉक को बीट करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा वुड का लॉक एक्टिविटीज में आयरन नेल लेनी है कोल पीस थिक एल्युमिनियम वायर और पेंसिल लेड ये सब लेना है और इनको आयरन नेल विद अ हैमर इसको बीट करना है बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस ट्राई टू हिट हार्ड हिट हार्ड आल्सो द एल्यूमिनियम वायर देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड द पेंसिल लेड इन सबको भी हिट करना है तो आयरन नेल को हिट करेंगे हैमर से तो ये फ्लैट हो जाएगा ये फ्लैट हो जाएगा कोल पीस को हिट करेंगे वो पीसेस में टूट जाएगा एल्युमिनियम वायर एल्युमिनियम वायर भी फ्लैट हो जाएगा एल्युमिनियम को जितना बीट करते जाएंगे वो फ़्लैट हो जाएगा और पेंसिल लेड पेंसिल लेड भी टूट जाएगी पीसेस में तो जो मेटल्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल्स दे आर लच्चरस उनके सरफेस पे शाइन होती है मेटल्स आर हार्ड अब ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं मेटल्स आर मेलिएबल उनमें एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबलिटी की मेलिएबल मतलब जब हम उन्हें हैमर से बीट करेंगे तो वो शेप चेंज करते जाएंगे और शेप कर चेंज करते उन्हें बहुत बीट कर देंगे जब बहुत ज़्यादा तो वो एक फ़ाइन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स

ऐसे ही सिल्वर की पतली सी शीट बना दी जाती है गोल्ड की पतली सी शीट बना दी जाती है जो आप मिठाइयों पे खाते हैं स्वीट्स के ऊपर जो एक पतली सी शीट लगी हुई होती है सिल्वर की सिल्वर फॉइल वो सब उनको बीट करके एक पतली 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 शीट्स बना दी जाती है बिकॉज द मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मिलिएबिलिटी एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज मिलियेबिलिटी when it can be beaten into thin sheets and it is the characteristic property of metals non metals ko aap sheets mein convert nahi kar sakte non metals mein hammer se hit karoge wo toot jayenge can you hold a hot metallic pan ek aur property hum padhenge Hot metallic pan को क्या आप पकड़ के रख सकते हो नहीं पकड़ के रख सकते हो क्योंकि हाथ क्योंकि वो pan इतना गर्म होगा कि हाथ जल जाएगा अगर उसके ऊपर वुड का या फिर प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ होगा तो आप पकड़ के रख सकते हो देन यू विल नॉट गेट हर्ट वाई बिकॉज द मेटल्स दे आर द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं और जो वुड और प्लास्टिक होता है ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का तो इसमें से हीट पास नहीं होने देता ये वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्राम बींग हर्ट वेल हैंडलिंग द हॉट थिंग्स क्योंकि गर्म चीज़ें होंगी पैन जो गैस पे रखा हुआ है मेटल का है वो गर्म होगा पूरा पैन गर्म होगा अगर आप उसका हैंडल पकड़ोगे तो आपके भी लगेगी तो इसलिए उस पर वुडन या प्लास्टिक का हैंडल लगा देते हैं तो वुडन या प्लास्टिक के हैंडल में से हीट पास नहीं होती तो आप उसे आराम से पकड़ सकते हो यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग इस स्क्रू ड्राइवर वॉट काइंड ऑफ हैंडल डज इट है प्लास्टिक का हैंडल होता है स्क्रू ड्राइवर में जिससे करंट नहीं आए क्योंकि करंट इलेक्ट्रिकसिटी पास नहीं हो पाती फिर नाउ द टेबल इज गिवन आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी येस हीट और इलेक्ट्रिकसिटी का सल्फर पुअर कंडक्टर कोल्ड पुअर कंडक्टर कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर सो यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड नेल या कॉपर वायर जो होते हैं आर द गुड कंडक्टर्स कॉपर वायर घर में यूज़ करते हैं वायरिंग में क्योंकि दिस इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी और सल्फर पीस और जो कोल हैं आर द पुअर कंडक्टर्स इनमें से हीट पास नहीं हो पाती। देन वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्युमीनियम एंड कॉपर वायर्स हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल कोल के वायर्स देखें नो कॉपर वायर्स यूज होते हैं वायरिंग में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डक्टिलिटी 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 मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स जिससे कि मेटल को वायर में वायर बना दिया जाए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी तो मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स आर मेलिएबल मेटल्स आर डक्टाइल मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट किया जा किया जा सकता है मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ डक्टिलिटी हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट या मेटल कॉइन या पीस ऑफ कोल्ड जब फ्लोर पर गिरता है तो किस तरह की साउंड आती है यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है अच्छा सबसे ईजी एग्जाम्पल है मंदिर में जब हम बेल बजाते हैं घंटी बजाते हैं टेम्पल्स में तो कैसा साउंड आता है वो जो बेल्स होती हैं घंटियाँ होती हैं वो मेटल की होती हैं इसका मतलब मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स आर सोनोरस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स एंड दे आर सेड सोनोरस जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वो इस तरह का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. किसी भी मेटल को आप बहुत तेज से किसी चीज़ से हिट करोगे तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी अगर दो बॉक्सेस लिए जाए एक वुड का बॉक्सेस हो और एक मेटल का बॉक्स हो और दोनों बॉक्सेस को हम किसी चीज़ से हिट करें तेज़ स्ट्राइक करते हैं दोनों बॉक्सेस को तो किस में से तेज़ आवाज़ आएगी रिंगिंग साउंड मेटल के बॉक्स से रिंगिंग साउंड आएगी दिस प्रॉपर्टीज़ सोनोरस तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं मिलिएबिलिटी डक्टिलिटी सोनोरस हा हार्डनेस ये सारी प्रॉपर्टीज हमने अभी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की पढ़ी हैं तो मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गई दे आर सोनोरस दे आर डक्टाइल दे आर मेलिएबल दे आर हार्ड दे आर और इसका ऑपोजिट सब नॉन मेटल्स में हो गया तो नॉन मेटल्स की आफ्टर परफॉर्म एक्टिविटीज वी कैन दैट सम मटीरियल्स आर हार्ड डक्टाइल सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ़ हीट एंड इलेक्ट्रिसटी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स शो करते हैं द मटीरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज़ दे आर कॉल्ड मेटल्स जो ये सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं इनको मेटल्स बोलते हैं और एग्जाम्पल्स क्या हैं मेटल्स के आयरन कॉपर एलमीनियम कैल्शियम मैगनीशियम एक्सेट्रा इन कॉन्ट्रास्ट इससे ऑपोजिट जो सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी वो नॉन मेटल्स की हो जाएंगी जैसे कि मेटल्स हार्ड होते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं जैसे कोल और सल्फर का एग्जाम्पल हमने देखा था ये सॉफ्ट होते हैं ये डल होते हैं वो लश्चरस होते हैं मेटल्स तो ये नॉन मेटल्स नॉन लश्चरस या डल होते हैं अपीयरेंस में दे ब्रेक डाउन जब हैमर से बीट करते हैं तो पाउडर बन जाता है इनका दे आर नॉट सोनोरस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं एंड दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस एक्सेट्रा और नेक्स्ट आर द एक्सेप्शंस कुछ मेटल्स होते हैं सोडियम अभी तक हमने पढ़ा है कि मेटल्स आर हार्ड कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शन हैं सोडियम और पोटाशियम दे आर वेरी सॉफ्ट ये सॉफ्ट होते हैं और हम इनको नाइफ़ से कट कर सकते हैं सो यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स सोडियम एंड पोटाशियम मेटल्स आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद नाइफ़ और हमने पढ़ा है कि मेटल्स हार्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं बट एक मेटल होता है जिसको बोलते हैं मरकरी तो मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे मिलता है मरकरी सो दीज आर दीज आर द थ्री एक्सेप्शन सोडियम पोटाशियम एंड मरकरी नाउ वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ये कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स तो फर्स्ट फिनमिना इसमें आप सब लोग फेमिलर हैं जो आपने क्लास सेवन्थ में भी पढ़ा है दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल रिएक्शन क्या होती है सेवंथ क्लास में आपने एक्टिविटीज़ करी थी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन को जब एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं मैग्नीशियम केमिकल फार्मूला इज एम जी इट्स सिंबल इज़ मैग्नीशियम सिम्बल इज एम जी एंड ऑक्सीजन इज ओ टू वेन ऑक्सीजन इज बर्नड इन द दैन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज एम जी ओ मैगनीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड इन द सेम वे द केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में जिसे हिंदी में हम बोलते हैं जंग लग जाना रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे हम आयरन के आर्टिकल्स पड़े रह जाते हैं ना बाहर उस पर तो एयर में जो अगर उस पर पेंट नहीं किया हुआ था आयरन के आर्टिकल्स पे तो उस पर एक ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है उस लेयर को बोलते हैं रस्टिंग रस्ट rust है उस पर रस्ट आ गई है तो ये रस्ट कैसे होता है जब आयरन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है और एयर में और क्या प्रेजेंट होता है मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है वाटर भी प्रेजेंट होता है तो वन आयरन एफ इट्स सिंबल इज़ एफ ई ऑक्सीजन ओ टू एंड फार्मूला फॉर वाटर इज़ एच टू ओ जब इनकी रिएक्शन होगी तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री फेरिक ऑक्साइड तो फेरिक ऑक्साइड ये होता है रस्ट अब हम इसको चेक करना है रस्ट को लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट कि ये एसिडिक है या बेसिक है इसको आपको चेक करना है इसको आप थोड़े से वाटर में डालोगे रस्ट का जो इसका सस्पेंशन बनाएंगे सस्पेंशन बनाने के बाद इसमें रेड लेटमस पेपर डालेंगे तो रेड लेटमस पेपर जब इसमें डिप किया तो रेड लिटमस पेपर ब्लू बन गया तो ब्लू कब टर्न होता है रेड लिटमस पेपर रेड टू ब्लू जब इसमें ये जो सॉल्यूशन बना है जब ये बेसिक होता है तो रेड ब्लू रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज बेसिक अब कॉपर पे भी डस्ट होती है क्या कॉपर पे भी एक ग्रीन कलर की डिपॉजिट हो जाती है कॉपर का जब हम कॉपर के जो हम यूटेंसिल्स जैसे घर में यूज करते हैं कुछ चीज़ें है कॉपर की तो उनको आप कभी नोटिस करना अगर वो पड़े रह जाती हैं बाहर और एयर के कांटेक्ट में आती है तो उनके बाहर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है कॉपर के वेसल्स पे तो क्या होती है ग्रीन कलर की लेयर व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्ट एयर मतलब ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर्स वाटर प्रेजेंट है इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग तो ग्रीन कोटिंग आ जाती है ये ग्रीन कोटिंग है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है सी यू ओ एच होल्डवाइज सी यू कॉपर का फॉर्म कॉपर का सिंबल है और ओ OH हम लिखते हैं हाइड्रोक्साइड के लिए तो सी यू ओ एच नीचे लिखा जाएगा कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सी यू सी ओ थ्री ये जो थ्री है ये कार्बन पे नहीं लगा है सिर्फ ऑक्सीजन के यहाँ पे लगा हुआ है सी यू सी ओ थ्री द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन टू सी यू इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे आगे टू लगाया हुआ है प्लस एच टू ओ plus CO2 plus O2 this you will study in your higher classes how to balance the chemical equations here you have to just learn the reactions the symbols and the chemical formulas CO2 plus oxygen it gives CuOH whole twice which is copper hydroxide plus CuCO3 it is copper carbonate and moist air me kya, kya present a water carbon dioxide CO2 is carbon dioxide and O2 is ऑक्सीजन तो ये जो ग्रीन लेयर बनती है कॉपर की यूटेंसिल्स पे ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था तो एक ऐश प्रोड्यूस हुई थी एक राख बन जाती है मैग्नीशियम जब बर्न हो जाता है उस ऐश को वाटर में डिजोल्व करना है और उसका टेस्ट करना है कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक जब मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज़ द एश तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से होगी तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एम जी ओ एच होल्ड वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस और जब रेड लिटमस पेपर उसमें डिप करेंगे तो वो ब्लू में टर्न हो जाएगा दैट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया सो द ऑक्साइड ऑफ द मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं लेटस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन एक्टिविटी फोर पॉइंट फोर दिस इज़ टू बी डेमांस्रेटेड बाई टीचर इन दिस यू हैव टू टेक पाउडर्ड सल्फर इसमें पाउडर्ड सल्फर लेना है इसमें एक तरह की स्पून होती है जैसे बोलते हैं डी फ्लैगरेटिंग स्पून ना वट इज डी फ्लैगरेटिंग स्पून डी फ्लैगरेटिंग स्पून ऐसी स्पून होती हैं जिनमें वर्टिकल हैंडल होता है इस तरह का ये ऐसी रिएक्शंस में यूज होती है ये डी फ्लैगरेटिंग स्पून है इसमें ऐसे हॉरिजोंटल हैंडल नहीं है स्पून में वर्टिकल हैंडल है लंबा हैंडल है क्योंकि ऐसी रिएक्शंस जब कुछ बर्न करना होता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और फ्लेम uh, प्रोड्यूस uh, होती है तो इसलिए इसका हैंडल सीधा होता है इसमें क्या करना है हमें इसमें सल्फ़र लेना है सल्फर को हीट करना है डीफ्लाग्रेटिंग स्पून अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप एक मेटलिक कैप लो उस पर एक मेटल वायर लगा दो तो इस तरह की एक स्पून बनानी है ये मेटल वायर और ये मेटेलिक कैप लेके अब इसमें सल्फ़र को रख देना है स्पून में जैसे ही सल्फ़र बर्न करना स्टार्ट करेगा तो इस स्पून को जार में रख देना है और इस जार को ऊपर से कवर कर देना है इसकी लिड लगा देनी है क्योंकि इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप अब रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर बाद स्पून को रिमूव करना है थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड करना है ऐड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन टू द टम्बलर टम्बलर में वाटर को ऐड करो उसे शेक करना है थोड़ी देर अब इस सोल्यूशन को चेक करना है विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब दिस सोल्यूशन फॉर्म्ड इज एसिडिक इन नेचर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड एसिड्स इन एसिड्स एंड बेसिस तो कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हम बेस देखेंगे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सब आपने क्लास सेवन्थ में भी पढ़े थे सोडियम हाइड्रोक्साइड एन हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम से बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फर इज अ नॉन मेटल तो नॉन मेटल का एसिड हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोजन से बनेगा नाइट्रिक एसिड फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स जो बेसिस बनाते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं और नॉन मेटल से जो एसिड्स बनते हैं द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ये जो अभी हमने रिएक्शन करी थी अभी डीफ्लागरेटिंग स्पून के अंदर सल्फर को बर्न किया था तो सल्फ़र को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कौन सी गैस बनी सल्फर डाइऑक्साइड एसओ गैस और सल्फर डाइऑक्साइड को हमने लिड से अंदर ही ट्रैप कर दिया था जार के अंदर उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो बना सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस एसिड एच टू एस ओ थ्री तो सल्फ्यूरस एसिड जो होगा ये एसिड है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा यही देखा था अभी हमने जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स दे आर एसिडिक इन नेचर मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं तो हम केमिकल्स हम इनके लिटमस टेस्ट करके वी कैन ईजिली फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ मेटल और अ नॉन मेटल रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबॉरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव स्टडीड इन क्लास सेवेंथ नेक्स्ट इज द रिएक्शन इज वाटर अभी हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखी अब हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन तो जो सोडियम होता है सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है बहुत जल्दी और बहुत जैसे हीट प्रोड्यूस होती है जब ये ऑक्सीजन के साथ एक्ट करता है तो लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन इसलिए इसको कभी भी ऐसे स्टोर करके नहीं रखा जाता सोडियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है

नेक्स्ट एक्टिविटी टू बी डिमांस्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द डिमॉन्सट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट साइज ऑफ द मेटल पीस मेटल का एग्जाम आपकी टीचर आपको करके दिखाएंगी लैब में ये सोडियम मेटल का पीस लेना है बट इतना छोटा लेना है कि वो गेहूं के दाने जितना छोटा हो उसको पेयर ऑफ टोंग से पकड़ा जाएगा क्योंकि इसको मेटल को हम सीधा हाथ से नहीं पकड़ सकते सोडियम को टू फिफ्टी एम एक बीकर लेना है बीकर को आधा फिल करना है वाटर से उसमें छोटा सा बहुत छोटा सा गेहूँ के दाने जितना सोडियम का पीस उसमें डालना है पहले उसको ड्राई कर लेना है फिल्टर पेपर से फिर उसको कॉटन के पीस में रैप कर देना है और उसको कॉटन के पीस में रैप करे हुए ही उसे उस बीकर में डाल देना है आप क्या ऑब्जर्व करोगे बीकर से दूर रहना है पर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर जब उसमें रिएक्शन होगी वेन रिएक्शन स्टॉप्स देन यू विल टच द बीकर क्योंकि वो बहुत विगरसली वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ पे वॉट डू यू फील हैज़ द बीकर बिकम हॉट येस नॉट एज दल्यूशन विद रेड एंड ब्लू एटमोसपेपर इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक ये जो सोल्यूशन है इसको आपको टेस्ट करना है ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा क्योंकि सोडियम है सोडियम जब वाटर से रियक्ट करेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर सोडियम रिएक्ट्स विगरेसली विद वाटर सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो दूसरे मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ बट जो सोडियम होता है ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है जैसे आयरन है आयरन में रस्टिंग होती है तो रस्टिंग बहुत स्लो प्रोसेस है वाटर के साथ धीरे धीरे प्रोसेस होती है एक साथ नहीं होती विगरेसली नहीं होती बट सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है जनरली नॉन मेटल्स डो नॉट रिएक्ट विद वाटर नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर एयर में ये बहुत रिएक्टिव हो सकते हैं बट ये मेटल्स के साथ ये वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वॉटर तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते तो उन नॉन मेटल्स को जो एयर में बहुत जल्दी वो रिएक्ट करते हैं तो उनको वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है जैसे एग्जाम्पल है फॉस्फरस ये बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है फॉस्फरस जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो फायर पकड़ लेता, लेता है आग पकड़ लेता है ये इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर सो टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फरस फ्रॉम एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आए इसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है फॉस्फरस नॉ नेक्स्ट द रिएक्शंस विद एसिड्स अब एसिड के साथ रिएक्शंस करानी है एसिड एसिड्स के साथ रिएक्शन होगी मेटल और नॉन मेटल की तो दोनों में क्या क्या ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन आएंगी दिस वी विल सी जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब टेस्ट ट्यूब के माउथ से जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं क्योंकि ऊपर से बाहर से फ्यूम्स निकलती हैं उसमें से टेस्ट ट्यूब के माउथ से या फिर पॉइजनस गैसेस निकलती हैं तो हमेशा अपने फेस से दूर रखना चाहिए टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसे पकड़ना चाहिए और टेस्ट ट्यूब का माउथ अपने फेस से दूर रखना चाहिए वाइल डूइंग योर एक्सपेरिमेंट्स टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन द टेबल टेबल फोर पॉइंट फाइव में मेटल्स और नॉन मेटल लाइक मैग्नीशियम इज मेटल एल्यूमिनियम इज मेटल आयरन मेटल कॉपर मेटल चारकोल पाउडर एंड सल्फर दीज टू आर द नॉन मेटल्स तो ये सब आपको मेटल्स और नॉन मेटल ये मटीरियल्स लेने हैं और इनको टेस्ट ट्यूब्स में डाल के टेस्ट करना है सबके अंदर फ़ाइव एम ऑफ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है वन टू थ्री फोर फाइव एफ तक फाइव टेस्ट ट्यूब्स लेनी है सबके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको मटीरियल डालना है फाइव एम ऑफ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायल्यूट मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब वाटर ऐड कर देते हैं तो वो चीज़ वो डायल्यूट हो जाती है नो ऑब्जर्व द रिएक्शंस इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन अ कोल्ड सॉल्यूशन अगर कोल्ड सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं होए तो टेस्ट ट्यूब को वार्म कर लेना चाहिए कई बार कुछ रिएक्शंस कोल्ड सॉल्यूशन में नहीं होती जब उन्हें हम वार्म कर, करने लग जाते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है अब बर्निंग स्टिक को लेकर आना है टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास इस एक्टिविटी को करना है बर्निंग टेस्ट ट्यूब जब पास में लेकर आएंगे तब जब रिएक्शन होगी तो गैस प्रोड्यूस होगी और मैथस्टिक पास में लेके आएंगे नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन ये डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी ये करना है ये टेस्ट वापस से और डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करना इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी व्हेन द बर्निंग स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब जब टेस्ट ट्यूब के पास में बर्निंग स्टिक लाते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस की तो उस टाइम केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस तो यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते नॉन मेटल्स बट मेटल्स दे रिएक्ट विद एसिड्स मेटल्स विल रिएक्ट विद एसिड्स एंड दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद साउंड नाउ यू मस्ट हैव नोटिस दैट Copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with सल्फ्योरिक acid. तो इसलिए बोला गया कि एसिड चेंज करके रिएक्शन कराइए क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है बट वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन विद अ बेस

उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन जाएगा उसमें एल्यूमिनियम का एक पीस डालना है और उसके पास में एक बर्निंग स्टिक उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेके आनी है तो दाउ यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट डज़ द पॉप साउंड इंडिकेट बर्निंग स्टिक लेके आएंगे तो पॉप साउंड आएगी तो पॉप साउंड इंडिकेट्स के हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है हाइड्रोजन गैस वहाँ अंदर रिएक्शन में बनी है और वो बाहर की तरफ निकल रही है तो मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस सो वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी एंड द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस नेक्स्ट रिएक्शंस आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस री कॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्मड इन क्लास सेवन्थ क्लास सेवन्थ में एक एक्सपेरिमेंट किया था आपने कॉपर सल्फेट एंड आयरन का कॉपर सल्फेट कैसे कलर का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन फिलिंग्स डाल के थोड़ी टाइम के लिए रख दी थी तो ब्लू कलर से ग्रीन कलर का हो गया था ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा था क्लास सेवन्थ में ग्रीन कलर का क्यों हो गया था क्योंकि कॉपर सल्फेट जो था अब उसकी जगह कॉपर की जगह उस सॉल्यूशन में आयरन ने ले ली थी तो वो आयरन सल्फेट बन गया था एफ ई एस ओ फोर विच इज ग्रीन इन कलर और कॉपर के डिपॉजिट्स नीचे बीकर में कलेक्ट हो गई थी नाउ यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी यू हैव टू टेक फाइव बीकर्स ए बी सी डी एंड ई हंड्रेड एम एल के बीकर्स लेने हैं टेक अबाउट फिफ्टी एम एल ऑफ वाटर इन ईच बीकर हर बीकर में फिफ्टी एम एल वाटर लेना है उसके अंदर डिजोल्व करना है वन टी स्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एक टी स्पून सब्सटेंस इसमें ऐड करना है विथ सब्सटेंस यू हैव टू ऐड इन बीकर वन यू विल ऐड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिस इज़ ब्लू कलर सल्यूशन इज कॉपर सल्फेट तो फिफ्टी एम एल वाटर में वन स्पून ऑफ कॉपर सल्फ़ेट ब्लू कलर सल्यूशन आ गया बी अगेन यू विल ऐड कॉपर सल्फ़ेट सल्यूशन में जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करने इसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए बीकर बी में कॉपर सल्फेट में आयरन के ग्रैन्यूल्स आयरन नेल रख दिए, ये नीचे की तरफ आयरन की एक कील रख दी है लोहे की कील कॉपर बीकर सी में रखा है जिंक सल्फेट जेड एन एस ओ फोर जेड एन एस ओ फोर वाइट कलर का होता है और इसमें कॉपर की टर्निंग्स रख दिए थोड़ा कॉपर के छोटे छोटे पीसेज रख दिए नाउ इन डी बीकर आयरन सल्फेट एफ ई एस ओ फोर सब ब्राउनिश कलर का होता है आयरन सल्फेट और इसमें भी नीचे कॉपर की टर्निंग्स रख दिए लास्ट बीकर ई में रखा है जिंक सल्फेट जो वाइट कलर का होता है और उसमें आयरन नेल रखती है अब इसकी रिएक्शंस हमें चेक करनी है कि क्या रिएक्शन होगी जो फ़र्स्ट बीकर है उसको हम रख देंगे ना थोड़ी देर के बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसका कलर चेंज हो गया इसका कलर चेंज हो जाएगा बी बीकर का भी कलर चेंज हो जाएगा दोनों बीकरस का कलर चेंज हो जाएगा क्यों चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जो कॉपर है ये नीचे कलेक्ट हो जाएगा और जिंक प्लस एस ओ फोर मिला के जेड एन एस ओ फोर जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है इसलिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया ऐसे ही यहाँ पे आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा कॉपर अलग हो जाएगा पहले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था सी यू एस ओ फोर अब कॉपर अलग हो गया कॉपर नीचे डिपॉजिट हो गया और एफ ई एस ओ फोर आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है तो कलर चेंज हो गया इसका अब इन तीनों जार्स में सी डी और ई e बीकर्स में कोई कलर चेंज नहीं होगा अभी कलर चेंज क्यों नहीं होगा ये हम इसका अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करिए डिस्प्लेस कर दिया उसको उसकी जगह से हटा दिया जैसे आपका फ्रेंड किसी सीट पे बैठा है आप वहाँ पे जाए आपके फ्रेंड को हटा के आप उसकी जगह पे बैठ जाओ आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो इसी तरह केमिकल रिएक्शंस में होता है कि जो मेटल्स होते हैं ये डिस्प्लेस कर देते हैं एक दूसरे मेटल को हटा देते हैं वहाँ से और उसकी जगह ले लेते हैं इसलिए इन रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बीकर ए और बी में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और सी डी ई में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कर सकता है वही कर सकता है जो ज़्यादा पावरफुल होगा जो स्ट्रांग होगा अब कॉपर से ये दोनों ज़्यादा स्ट्रांग है कॉपर कॉपर से कौन कौन स्ट्रॉन्ग है जिंक और आयरन दोनों स्ट्रॉग है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं स्ट्रॉन्ग हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में से बोलेंगे दे आर वेरी रिएक्टिव ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए इन्होंने कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया कॉपर इनसे वीक है तो जो वीक होगा जो स्ट्रॉन्ग वाला उससे डिसप्लेस कर देगा अब नेक्स्ट जो आगे के तीन बेकरस थे सी डी ई में उसमें जिंक आयरन और जिंक इन तीनों के थे और इनमें कॉपर और नेल डाल दी थी कॉपर की और आयरन की नेल्स डाल दी थी तो कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव होता है वो वीक होता है तो किसी स्ट्रांग को हटाने की कोशिश करोगे तो कैसे हटेगा नहीं हटेगा तो कॉपर उसको हटा नहीं पाएगा तो कोई रिएक्शन में चेंज नहीं होगा ऐसे ही जो आयरन होता है जिंक जो है वो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो आयरन भी जिंक को हटा नहीं पाएगा तो यहाँ पर डिसप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी नाउ यू हैव रेड दैट

कॉपर रेड पाउडरी रेड मास में नीचे जाके बॉटम में डिपॉजिट हो गया और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया जिंक सल्फेट कैसा होता है कलरलेस होता है तो वो कलरलेस हो गया और कॉपर रेड कलर का नीचे जाके डिपॉजिट हो गया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इट बिकम जिंक सल्फेट विच इज कलरलेस एंड कॉपर विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर वो डिपॉजिट हो गया नाउ देयर कुड बीन डिसप्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी कॉपर भी तो डिस्प्लेस कर सकता था जिंक को नहीं क्योंकि कॉपर उससे वीक है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो जो स्ट्रांग होगा जो रिएक्टिव मेटल होगा उसको वीक मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा वो उसको उसकी जगह से हटा नहीं पाएगा सिमिलरली आयरन कुड भी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी तो आयरन को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्योंकि आयरन से भी ये वीक है कॉपर आयरन उससे रिएक्टिव मेटल है ज़्यादा सो वी विल स्टडी द रीज़न हेयर इट इज़ गिवेन हेयर क्योंकि साइंस में कुछ भी अपने आप नहीं हो सकता कुछ रूल्स होते हैं और वो उन डेफिनेट रूल्स के पैटर्न पर ही सारी रिएक्शंस होती हैं अब क्या रूल हैं रूल ये है कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन जिंक इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक वाले को डिसप्लेस कर देगा उसकी जगह ले लेगा The more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal, wo more reactive metal could replace nehi kar paega. That cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there is no displacement reaction in copper D and E also. Now the uses of metals and non metals. क्या क्या यूजेस हैं मेटल्स के मेटल्स मशीनरी में यूज़ होते हैं दे आर मेकिंग इन मशीनरी ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं एरोप्लेन्स ट्रेन सैटेलाइट्स इंडस्ट्रियल गैजेट्स कुकिंग यूटेंसिल्स वाटर बॉयलर्स इन सबको बनाने में, में मेटल्स का यूज़ होता है अब नॉन मेटल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं जो गैस हम इनल करते हैं जिसके विदाउट लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे ऑल लिविंग बींग्स से इनहेल डूरिंग ब्रीदिंग वो कौन सी नॉन मेटल है दैट इज ऑक्सीजन डेट इज ऑक्सीजन गैस तो नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से नॉन मेटल्स यूज होते हैं एक तो नाइट्रोजन यूज होता है और फॉस्फरस यूज होता है तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये इसके सिम्बल्स हैं नाइट्रोजन का एन फॉस्फरस का पी कैपिटल में नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन इसमें क्लोरीन यूज़ होता है इसका सिंबल है कैपिटल सी एंड स्मॉल एल दिस इज क्लोरीन। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वून्ड्स एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक की तरह जब लग जाती है कभी तो टिंक्चर आयोडीन टिंक्चर लगाया जाता है तो ये आयोडीन टिक्चर किससे बना हुआ होता है इसमें कौन सा नॉन मेटल होता है इसमें नॉन मेटल होता है आयोडीन नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स क्रैकर्स में कौन से नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं क्रैकर्स में नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं एक सल्फर यूज़ होता है और एक यूज़ होता है फॉसफरस सल्फ़र एंड फॉसफरस नॉन मेटल्स दे आर यूज इन क्रैकर्स सो यू मे एड सम मोर यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्राम योर एक्सपीरियंसिस मैगनीशियम कहाँ प्रेजेंट होता है प्लान्ट मैगनीशियम प्रेजेंट होता है हाँ मैगनीशियम प्लांट्स में क्लोरोफिल में प्रजेंट होता है क्लोरोफिल क्या होता है क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है किस में यूज होता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में यूज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है और स्टार्च बनता है तो क्लोरोफिल का एक मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जब हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं क्लोरोफिल का तो उसमें मैग्नीशियम होता है ना डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशेंसी इन माई बॉडी आयरन कहाँ पे प्रेजेंट होता है वेयर इज आयरन इन माई बॉडी आयरन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन प्रेजेंट इन द ब्लड ब्लड आयरन इज प्ले प्रेजेंट इन द ब्लड ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का पिगमेंट जैसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो होता है ये कलर ये ब्लड को रेड कलर देता है क्योंकि ब्लड के अंदर एक सेल होती है आर बी सीज डेट इज द रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड क्यूँ होता है क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है तो इस हीमोग्लोबिन का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है आयरन अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में जिसके कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो जाता है सो so, मैग्नीशियम जो होता है प्लांट्स में वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है और जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसका कॉन्स्टिटुएंट होता है आयरन क्लास सेवन्थ में आपने पढ़ा था जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं दैट मीन्स तो केमिकल चेंजेस होती हैं उन केमिकल चेंजेस में जब रिएक्शंस होती हैं तो कुछ नया सब्सटेंस बनता है पहले वाला सब्सटेंस चेंज हो जाता है जो रिएक्ट करता है और एक नया न्यू सब्सटेंस बनता है तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है ये दैट अंडरवेंट द रिएक्शन और इस सब्सटेंस को हम और ज़्यादा फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन से बाय कूलिंग और हीटिंग तो इसको बोलते हैं एलिमेंट अब सल्फर जैसे सल्फ़र है सल्फर इज़ एन एलिमेंट आयरन आयरन भी एलिमेंट है कार्बन भी एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट्स हैं और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी एलिमेंट की उसे कहते हैं एटम जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज सेल वैसे ही केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो इट इज एटम किसी भी एलिमेंट की जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उस एलिमेंट को हम तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे जो लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होगी दैट इज़ ऑफ एटम और कोई भी जो सैम्पल होता है एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट जैसे कार्बन एलिमेंट है तो उसके सारे जो एटम्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे वो सारे कार्बन एटम्स होंगे उसके अंदर द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर जैसा सॉलिड या वेपर स्टेट में सल्फर होगा वैसा ही लिक्विड सल्फर का एटम होगा ऑल्डो वी हैवे डेफिनेट वराइटी वी हैव एन इन फाइनाइट वराइटी ऑफ सब्सटेंसिज इन द यूनिवर्स बहुत तरह के सब्सटेंसेज होते हैं यूनिवर्स में बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दी सब्सटेंस आर लिमिटेड देर आर नॉट मोर देन नाइन्टी टू नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नेचुरली अक्रे एलिमेंट्स हैं वो नाइन्टी टू से ज़्यादा नहीं है और इसको फिर क्लासीफाई किया गया है मेडल्स और नॉन मेटल्स में मोस्ट ऑफ देम आर एलि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं ट्वेंटी से कम जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं नाउ वी विल स्टडी द समरी ऑफ द चैप्टर मेटल्स आ लश्चरस मेटल्स में शाइन होती है नॉन मेटल्स में लश्चर नहीं होता मेटल्स में लिएबल होते हैं इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डकटाइल होते हैं इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन मेटल्स में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं होती मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिक्सिटी के और नॉन मेटल्स के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिकसिटी पास नहीं हो सकती जब हम बर्न करते हैं मेटल्स को तो मेटल ऑक्सीजन के रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के रिया के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूस करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक होते हैं सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन की गैस हाइड्रोजन गैस निकलती है जनरली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस और नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस कुछ मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को कंपाउंड्स में डिस्प्लेस कर देते हैं बट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ सो आई होप यू हैव अंडरस्टड द चैप्टर न प्रैक्टिस द रिएक्शंस राइट एट डाउन जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शंस आपको जल्दी लर्न होगी इसके लिए पहले आपको इस चैप्टर में केमिकल फॉर्मूलाज और हर एलिमेंट के सिम्बल्स लर्न करने पड़े होंगे जैसे नाइट्रोजन का सिम्बल है कैपिटल एन फॉस्फोरस का सिंबल है कैपिटल पी सल्फर का सिम्बल है कैपिटल एस ऑक्सीजन का कैपिटल ओ क्लोरिन का कैपिटल सी और स्मॉल एल तो इन सबके सिंबल्स पहले लर्न करने फिर फार्मूलाज लर्न करने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हो गया सी ओ टू ऑक्सीजन का ओ टू इस तरह से जो भी इसमें कंपाउंड्स बने हुए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एन ए कैपिटल एन स्मॉल ए ओ एच कैपिटल ओ एंड कैपिटल एच सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इस तरह से आपको सबके सिंबल्स लर्न करने केमिकल फॉर्मूलाज लर्न करने केमिकल रिएक्शंस को लिख के देखना है प्रैक्टिस करने से ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सो आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट वेन एवर आई अपलोड द वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन एंड यू मे वॉच द वीडियो सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच